हेलो जी, मेरे लो प्यार परी सत श्री अकाल। मैं सरबजीत कौर, मेरे चैनल रंगला पंजाब गंगसर भी थोड़ा सारा का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। परमात्मा सब नूं तंदुरुस्तियां खुशियां देवे ते मेरे देशां प्रदेशां विच बैठे भैन भरावां नूं तंदुरुस्तियां खुशियां देवे ते परमात्मा हमेशा अंग संग सहाई रवे। तो वीडियो शुरू करन तो पहले एक रिक्वेस्ट है कि जेकर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल में सबसक्राइब कर लो। जेकर तुम वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज में फॉलो कर लो। वीडियो में लाइक एंड शेयर जरूर करा करो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के जरूर छड़ के जाया करो। अज की जड़ी कहानी है वह हैगी असली खजाना। बहुत ही इंटरस्ट जी दिलचस्प जी कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि तुहानू वधिया लगू। मैनू बहुत वधिया लगी, बहुत इंटरस्ट जा मिलिया ये करके मैं सोचा कि तुहाडे नाल भी मैनू ये वाली स्टोरी है जी शेयर करनी चाहिए है। पुराने समय की गल है कि एक विद्वान बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखा हुआ सी, पर उसकी सोच सी कि मैं जो भी पढ़ाई की है मैं ये लोगों विच वंडनी है, लोगों को शेयर करनी है, लोगों की मदद करनी है। तो वो जरा भी नहीं सी कोई पढ़ना चाहता, क्योंकि पुराने समय में बहुत लोग घट पढ़ते, कोई वेला ही पढ़ने जाता सीगा। तो गरीब घर के बच्चों कट्ठे करके जोड़े पढ़ना चाहते सी पर परिवार उन्होंने पढ़ा के नहीं सी राजी, उन्होंने पढ़ा फिर वो जोड़े थोड़े जे बेसहारा से उन्हों की मदद करता, उन्होंने सहारा दिता, उन्होंने मंगा पूरी करता, परमात्मा नाल जुड़दा, वेले टाइम विच्चों भजन बंदगी करदा। इस तरह सारा दिन कुछ ना कुछ करता ही रहिंदा सीगा। कोशिश हुंदी सी कि जिन्ना भी हो सके लोगों का भला होवे, किसी भी तरह भला करना। मैं कोई भी टाइम आ मेरा जिहड़ा जिंदगी दा एक भी सैकेंड आ कदे वो व्यस्त ना जावे, उस टाइम दे विच इह जिहा ना होवै कि मैं इस टाइम विच अज कुछ कीता नहीं। आपां नूं सारयां नूं चाहीदा इहो जिहा, पर आपां सोचते हैं कि सारा दिन साडा घर का काम आ जिहड़ा इह मुकदा नहीं, इह वी एक समां जिहड़ा साडा बिजी रहिंदा। उस तो मेन गल इह हुंदी आ कि जिन्ना हो सके, मान लो जी 24 घंटे उहदे विच्चों ज़्यादा नहीं तां 2 घंटे आपां नूं परमात्मा दे नाल ना ते जरूर जोड़ने चाहीदे आ। कोई भी होवे, जिस तरह का भी, जिस भी परमात्मा नूं तुसीं मानदे हो, जिस भी गुरु दे लड़ लगे उहदी जो भी भजन बंदगी उह आपां नूं करनी चाहीदी आ, क्योंकि असली खजाना अपना जो असली जी जिंदगी है विच जिंदगी दे साथ देने वाली चीज़ आखिर सुवासां तक सिर्फ भजन बंदगी है। परमात्मा का नाँ है गुरबाणी है। कोशिश करिया करो कि आपके छोटे बच्चों नूं भी स्टार्टिंग तो गुरबाणी दे नाल जोड़न की कोशिश करो। जिन्ना भी आपां बच्चों नूं शुरू तो उस लाइन पर लावांगे तो हौली हौली अपने बच्चे जिहड़े वो पक्के तौर पर गुरबाणी नाल जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत सिर्फ आपां माँ प्यो ने ही करनी पैनी है, किसी ने नहीं करनी। तो इस तरह वो जिहड़ा विद्वान सीगा बच्चों गुरबाणी भी सिखाउंदा रहिंदा, बच्चों पढ़ाउंदा भी, पढ़ाई किताबां दे विच्चों कोई ना कोई नॉलेज भी दिंदा, कुछ ना कुछ सिखाउंदा। जदों उहदे कोल कुछ टाइम हुंदा सीगा बजुर्गों की सेवा करन वास्ते, उन्हां दी सेवा करदा, सांभ संभाल करदा, तो उन्हां तों कुछ पुरानियां गल्लां ते कुछ नॉलेज वाली गल्लां जिहड़ियां काम आने वाली गल्लां सी उन्हां तों सुनदा रहिंदा। तो इस तरह एक दिन तुरिया जा रहा सी तां उहनूं रस्ते दे विच्चों तांबे दा मोरी वाला पैसा मिलिया। तो वह बड़ा शशोपंज पै के मैनू पैसे की थान पर जिथे लोड़ हुंदी है लोग पैसे की मदद कर देंदे आ, कपड़े की लोड़ हुंदी है तो लोग मैनू कपड़े की चोले की मदद कर देंदे आ, खाने की लोड़ हुंदी है मैनू तो लोग खाना खवा देंदे आ। तो मैं ये वाला पैसा करूँगा कि मेरे तो किसी काम नहीं, मैं कित्थे लावां। सोचता सोचता फिर सोचता कि जिहड़ा ये वाला पैसा मैं उस गरीब नूं देऊंगा जिहनूं बहुत ज़्यादा सख्त इस पैसे की लोड़ होगी, तो बहुत गरीब होगा। इस चक्कर दे विच उस विद्वान 3 दिन लग गए शहर शहर गली गली पिंड पिंड घूमदे नूं कि उहनूं इस तरह का कोई गरीब आदमी मिल सके जिहदी इस मुरी वाले तांबे दे पैसे नाल मदद कर सके। पर वो हंब हार के जंगलों विचों जा के पिंडां घरां विचों जा के ते रस्ते विच आ रहा सी, तां उधरों उस इलाके दा राजा
दूसरे इलाके दे नाल जंग शुरू करने वास्ते आपदी सेना ले जा रहा सी। सेना इन्नी सी कि बहुत ज़्यादा सीगा, तो उस विद्वान नूं राजे दी उह सेना टकरी, तो उहदे विच राजा भी मिलिया। राजे ने एक साइड ते अपना रथ खड़ा करके उस विद्वान नूं मिलिया, उस विद्वान दे पैरी हाथ लाए ते बहुत ज़्यादा शुकराना किया कि तुसी आम इंसानों वास्ते बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, जितों तक हो सके उन्हों का तुसी भला कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ तो बहुत खुश हाँ। इस खुशीनामे दे विच मैं तुहानू थोड़ी जी छोटा जिहा एक इनाम देना चाहना, तो तुसी दरबार आयो, आके उत्थे मैं तुहाडा एक मान सन्मान करूँगा। तो विद्वान ने कहा, नहीं जी मैनू किसी मान सम्मान की लोड़ नहीं, तो कोई मैं चंगा कोई भला काम नहीं कर रहा, मेरे तो मालक जो करवाउंदा मैं कर रहा, मालक मैनू जिस लाइन पर ला रहा मैं लग रहा, तो मैनू किसी भी प्रशंसा की नहीं लोड़गी, कोई भी मैनू किसी अहदे की कोई खुशी की तो किसी नाम के तख्ती दे लिखे हुए तख्ती के नाम की कोई लोड़ नहीं गी, इस करके मैं तुहाडे दरबार विच नहीं आऊँगा, ते पर मैं तुहानू कुछ देना चाहना। तो वह विद्वान ने अपनी जेब दे विचो वह तांबे का मुरी वाला पैसा कढ़िया ते राजे दे हाथ उपर रख दिता, ते राजा बहुत खुश सीगा कि मैनू महापुरशां ने सेवा दे रूप विच खजाने दे रूप विच मैनू कुछ भेट की है, जिदे नाल मेरा खजाना होर भी ज़्यादा भर जाऊगा। तो राजे ने जदों रुपया हाथ विच फड़ के वो पैसा हाथ विच फड़ के हाथ नूं चंगी तरह घुट लिया, तो विद्वान ने कहा कि कुछ क दिन पहला ये मैनू रस्ते दे विचों पैसा मिलिया सीगा, तो मैं डेली सोचता सीगा, सोचदा सोचदा मैं बहुत सारे पिंड शहर गाया है कि मैं ये पैसा उस गरीब इंसान नूं देना है जिहदी बहुत ज़्यादा गरीबी होवे ते उहनूं रोटी पकाउणी मुश्किल होवे। ते राजा बड़ी हैरानगी दे नाल निर्मता दे नाल, कोई गुस्सा नहीं सीगा राजे विच, हैरानगी ते निर्मता जी नाल देख रहा सी कि ना तो मैं गरीब हाँ ते ना ही कोई इहो जिहा टाइम आ। तो राजा फिर बोली पिया कि विद्वान जी महापुरशो, मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे दे थां ते पैसा धन दौलत ते हीरे जवाहर बहुत ज़्यादा मोरा मारा दे कमरे भरे पए आ, मैनू किसी भी चीज़ की कमी नहीं, अन्न की थां दे भंडार भरे पए आ, अन्न की कोई कमी नहीं, हर एक तरह के फल फल सब कुछ हैगा, तो इस करके ये पैसा तुसी लै जाओ किसी होर गरीब नूं दे देना। विद्वान का अगो जवाब सीगा कि नहीं राजा, ये पैसा सिर्फ तेरे वास्ते ही बनया, क्योंकि मैं बहुत शहर बहुत इलाका घूम लिया, मैनू तेरे तो गरीब कोई इंसान ही नहीं मिले जिन्हों मैं ये वाला पैसा दे दिता। तो राजे ने मुड़ के पूछा कि महापुरशो, मेरे से यह जी कि गरीबी आ गई, क्योंकि मेरे को सारा कुछ आ, मैं थानू दस रहा कि धन दौलत हीरे चांदी सोना मोहर अन्न दे खजाने भरे पए आ, भंडार भरे पए आ, सोने के खजाने भरे पए आ, पैसा बैंक भरिया पे, तो मैं कि करना, मैं किधरों गरीबी गरीब हो गया। तो महापुरशां ने दसिया कि राजा जी तेरे को इन्ना कुछ सब कुछ सीगा, तो तू फिर दूसरे देश नाल दूसरे राजे नाल लड़ाई जंग क्यों शुरू करन जा रहे हैं, इस करके कि उहदे नाल मैं जंग करूँगा, तो उन्हें उस इलाके दे विचों कढूँगा, कढ के जित प्राप्त करके जो उस इलाके की परजा जो उस इलाके दे पैसा धेला जो भी कुछ उस मन महल दे विच होगा सारा मेरा हो जूगा, मेरे खजाने होर भर जाएंगे, मेरे को सोना सुप्पा मोहरा होर सब कुछ हो जूगा, तो उहदे नाल मैं वो होर भी ज़्यादा अमीर हो जूगा, जिन्ने भी आसे पासे दे इलाके दे चोर आ जिन्हें भी आसे पासे दे इलाके दे राजे आ मैं सारे नालों तकड़ा राजा होऊंगा। तो तू ये सब करके ये सब सोच के दिमाग दे विच लालच पैदा करके तू सेना सेना नाल जाके पैसा इकट्ठा करने वास्ते दूसरे जंग दूसरे देश विच जंग शुरू की है, पर तू कदे ये सोचा कि उस जंग दे विच किन्ने मावां दे पुत शहीद हो जाएंगे, किन्नियां भैणां दे वीर शहीद हो जाएंगे,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੈਸਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਦਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੈਸੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੇ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਪਈ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ